नमस्कार स्टूडेंट, आज अपन पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 5 पृष्ठ रसायन, जिसमें ठोसों पर गैसों का अधिशोषण पढ़ रहे हैं। इसमें ये समझेंगे जब गैस है किसी ठोस की सतह पर अधिशोषित होती है तो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे अपन गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, इसमें अपन ये समझेंगे भौतिक जो अधिशोषण होता है उसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। कोई भी गैस किसी भी अधिशोषण की सतह पर जमा हो जाती है। यदि अपन SO2 गैस ले, NH3 गैस ले, HCl गैस ले और 1 CO2 गैस, इन गैसों की किसी ठोस की सतह पर अधिशोषण क्षमता की अपन बात करें तो ये जो गैस है सबसे ज्यादा अधिशोषित होती है, ये थोड़ी कम और ये सबसे कम। CO2 गैस सबसे कम अधिशोषित होती है, SO2 गैस सबसे अधिक अधिशोषित होती है। तो यहां अपन समझ रहे हैं जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है वह गैस सरलता से अधिशोषित होती है। ये अपन समझ रहे हैं जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा तो वह सरलता से द्रवित होगी और सरलता से द्रवित होगी तो उसकी अधिशोषण क्षमता उसकी अधिक मात्रा में वो अधिशोषित होती है। तो अपन इस बिंदु में ये समझ रहे हैं कोई भी गैस किसी भी ठोस की सतह पर जमा हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है वो सरलता से द्रवित हो जाती है और वह अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है। इस प्रकार अपन ने पहला बिंदु पढ़ा है गैस की प्रकृति। कोई भी गैस किसी भी ठोस की सतह पर कम या अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है। दूसरा बिंदु अपन समझे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो अधिशोषित गैस की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करता है। यदि ठोस अधिशोषक है उसको बारीक चूर्ण में बदल दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषित गैस की मात्रा भी अधिक होगी। तो यहां पर बात करें PD, PT और NI, ये जो धातुएं हैं इनमें इसकी अधिशोषण क्षमता अधिक होगी, इसकी थोड़ी कम होगी। ये ठोसों की अधिशोषण क्षमता का क्रम है। पर अपन यहां बिंदु में समझ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस की तुलना में बारीक जो चूर्ण होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है और ठोस को बारीक चूर्ण में बदलने पर उसका अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। अतः ठोस को बारीक चूर्ण में बदलना चाहिए ताकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़े और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी अधिशोषण क्षमता बढ़ जाती है। आगे बिंदु अपन पढ़ रहे हैं दाब का प्रभाव। दाब किस प्रकार अधिशोषण की क्षमता को प्रभावित करता है। अपन बात करें भौतिक या रासायनिक, दोनों में ही एक आरेख के द्वारा अपन समझ सकते हैं। इधर ले अपन दाब, एक अक्ष पर अपन ने दाब लिया है, एक अक्ष पर अपन ने x अपॉन n लिया है। तो इस बिंदु में x अपॉन n का मतलब क्या होता है, अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा ये होती है x अपॉन n। इनके बीच में जो आरेख अपन प्राप्त करते हैं
वो इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है। इस आरेख से अपन को ये पता चलता है दाब यदि अपन बढ़ाएंगे, दाब यदि बढ़ाएंगे तो अधिशोषित जो गैस की मात्रा है वो बढ़ती है कम होती है। तो ये जो दाब के लिए है, जो दाब के लिए देखो दूसरा आरेख प्राप्त होगा, ये इस प्रकार आरेख प्राप्त होता है, ये आरेख प्राप्त होता है और एक बिंदु अपन को प्राप्त होता है पी एस। दाब बढ़ाएंगे अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ेगी, दाब बढ़ाते जाएंगे अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी, एक निश्चित दाब जिसे कहेंगे पीएस। पीएस का मतलब है संतृप्ति दाब से अधिक दाब यदि अपन कर देंगे तो अधिशोषित गैस की जो मात्रा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दाब पर संतृप्ति दाब पर अधिशोषण की मात्रा और विशोषण की मात्रा दोनों की दरें समान होती है, इसलिए पीएस दाब से अधिक दाब यदि आपने कर दिया तो अधिशोषण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्हें समझ लें, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी और दाब यदि पीएस से अधिक कर दिया जाए तो अधिशोषण की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार अपने तीसरा बिंदु पढ़ा है दाब का प्रभाव। चौथा बिंदु अपन पढ़ रहे हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखिए भौतिक अधिशोषण के लिए अलग है और रासायनिक अधिशोषण के लिए अलग प्रभाव। तो अपन पहला जो आरेख बना रहे हैं वो भौतिक अधिशोषण के लिए बना रहे हैं। एक तरफ अपन टेम्परेचर ले रहे हैं, एक तरफ एक्स अपॉन एम ले रहे हैं। एक्स अपॉन एम का मतलब है अधिशोषित गैस की मात्रा। तो ये इस प्रकार आरेख प्राप्त होता है, यहां भी स्थिर है। इसका मतलब यह है यदि टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे अधिशोषित गैस की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। टेम्परेचर कम कर देंगे अधिशोषित गैस की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार अपन ने इस बिंदु में अपन ने समझा है भौतिक अधिशोषण है वो कम टेम्परेचर पर अधिक होता है और अधिक टेम्परेचर पर कम होता है। ये जो आरेख है ये अपने भौतिक अधिशोषण के लिए बनाया है। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अपन को टेम्परेचर कम रखना चाहिए ताकि अधिशोषण अधिक मात्रा में हो। दूसरा जो आरेख है वो अपन बना रहे हैं रासायनिक अधिशोषण के लिए। रासायनिक अधिशोषण किस प्रकार प्रभावित करता है, तो एक तरफ अपन ने ले लिया टेम्परेचर और एक ले लिया अपन एक्स अपॉन एम। तो दोनों के बीच में जो आरेख है उस आरेख में अपन प्राप्त करेंगे इस प्रकार का आरेख। यहां भी जो अपन पी है वो स्थिर मान रहे हैं, दाब का मान क्या है इससे। तो रासायनिक अधिशोषण है उसमें टेम्परेचर ये बता रहा है टेम्परेचर बढ़ाएंगे अधिशोषित गैस की मात्रा में वृद्धि होगी। एक निश्चित टेम्परेचर पर अधिशोषित गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। यदि निश्चित टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर कर दिया तो अधिशोषित गैस की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने रासायनिक अधिशोषण में ये पढ़ा है अगर आप निश्चित टेम्परेचर तक ताप को बढ़ाते हैं, प्रारंभिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा बढ़ती जाएगी, उसके बाद अधिशोषण की मात्रा में कमी आएगी। यहां अपन समझ रहे हैं अधिशोषण की मात्रा में कमी क्यों आती है, क्योंकि यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बहुत अधिक तो बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर विशोषण की दर बढ़ जाती है। तो इसलिए विशोषण की दर बढ़ने से अधिशोषित गैस की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार अपन ने टेम्परेचर का प्रभाव भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के लिए दोनों के लिए टेम्परेचर का प्रभाव तुलनात्मक रूप से अध्ययन अपन ने किया है।
आगे बिंदु अपन समझ रहे हैं अधिशोषण का सक्रियण, अधिशोषण का सक्रियण। पहले ये समझ लें सक्रियण क्या होता है। सक्रियण का मतलब होता है अधिशोषक की सक्रियण क्षमता, सक्रियण क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया, बढ़ाने की प्रक्रिया सक्रियण कहलाती है, सक्रियण कहलाता है। उन्हें समझ रहे हैं अधिशोषक की सक्रियण क्षमता या अधिशोषण क्षमता, इसको अपन अधिशोषण क्षमता भी कह सकते हैं। अधिशोषण क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। इस प्रकार अपन समझ रहे हैं अधिशोषण की सक्रियण क्षमता को या अधिशोषण क्षमता को अपन किस प्रकार बढ़ाएंगे। तो इसके लिए अपन तीन बिंदुओं पर पढ़ेंगे। पहले तो खुरदरा बनाकर, इसका मतलब यह है जो अपने पास अधिशोषण है उसको मशीन के द्वारा या यांत्रिक विधियों के द्वारा खुरदरा बनाते हैं। खुरदरा बनाने से कोई भी गैस ठोस की सतह पर अधिक मात्रा में जमा होती है, अतः अपन अधिशोषक को खुरदरा बना देंगे। दूसरा बिंदु जो है उसको बारीक पीस कर, इसका मतलब यह है जो अधिशोषण है वो ठोस अवस्था में होता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। यदि उसको अपन ने बारीक चूर्ण बना दिया, छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसकी अधिशोषण क्षमता भी अधिक होती है। इसका जो तीसरा बिंदु है वो है अशुद्धियों के पृथक्करण द्वारा। देखो अधिशोषक है उस पर यदि अशुद्धियां जमा है, अधिशोषक पर अशुद्धियां जमा है तो उसकी अधिशोषण क्षमता कम होती है। तो अपन क्या करेंगे उन अशुद्धियों को अलग कर देंगे, अशुद्धियों को हटा देंगे तो उसकी अधिशोषण क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अपन ने ठोसों पर गैसों का अधिशोषण है उसको पढ़ा है। इसमें पांच बिंदु पढ़े हैं, उन्हें समझ लें। गैसों की प्रकृति, ठोस अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन ने तीन बिंदु पढ़े हैं, खुरदरा बनाकर, बारीक पीसकर और अशुद्धियों को पृथक करके। जैसे अपन बात करें चार कोर बहुत सारी अशुद्धियां जमा होती है। यदि से रक्तप्त वायु की अनुपस्थिति में गर्म करें तो इसकी अशुद्धियां जो होती है जैसे हाइड्रोकार्बन की हो, जलवाष्प की हो आदि अशुद्धियां हट जाती है। और अशुद्धि हटने पर ये जो चारकोल है उसकी अधिशोषण क्षमता है वो बढ़ जाती है, अर्थात अशुद्धियों को हटाने पर ठोस अधिशोषक की अशुद्धियां हट जाती है। इसके बाद में अपन दूसरा बिंदु पढ़ रहे हैं फ्रैंडली अधिशोषण समतापी। तो पहले ये समझ रहे हैं फ्रैंडली अधिशोषण समतापी है उसकी अपन क्या परिभाषा बता सकते हैं। अपन ने अभी बात करी थी एक्स अपॉन एम, इसका मतलब है अधिशोषित गैस की मात्रा एक्स अपॉन एम का मतलब है अधिशोषित गैस की मात्रा और पी का मतलब है साम्य अवस्था पर दाब। इन दोनों के बीच में
स्थिर है, टेम्परेचर स्थिर है। तो इसकी अपन परिभाषा बता रहे हैं, अधिशोषण समतापी क्या होता है। स्थिर टेम्परेचर पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब पर जो आवेग प्राप्त होते हैं उन्हें कहेंगे अधिशोषण समतापी। इनके बीच में जो अपन आवेग प्राप्त कर रहे हैं, एक तरफ अपन ने ले लिया पी, पी का मतलब प्रेशर, एक तरफ ले लिया अपन ने एक्स अपॉन एम। तो इनके बीच में जो अपन आरेख प्राप्त कर रहे हैं वो आरेख के तीन भाग हैं। बिंदु नंबर एक, ए बिंदु है, ए बिंदु जिसे कहेंगे निम्न दाब पर, निम्न दाब पर इसका बी बिंदु प्राप्त करेंगे अपन। बी बिंदु ये है, ये बी बिंदु है, ये ए है और ये बी है, और बी बिंदु को कहेंगे अपन उच्च दाब पर, उच्च दाब पर। और इसका एक सी बिंदु है, वो इन दोनों आरेखों को मिला देता है, ये है सी बिंदु। सी का मतलब है मध्यम दाब पर, मध्यम दाब पर। इस प्रकार अपन दाब और अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच आरेख प्राप्त करते हैं, वो आरेख इस प्रकार है। और इस आरेख के तीन भाग हैं, ये आरेख, इस आरेख के तीन भाग हैं ए बी और सी, और तीनों भागों का वर्णन अपन कल पढ़ेंगे। पहला बिंदु पढ़ेंगे निम्न दाब पर, दूसरा बिंदु पढ़ेंगे उच्च दाब पर, और तीसरा पढ़ेंगे मध्यम दाब पर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।